पार्टी से नहीं है, मैं चाहूंगा कि वो भी पश्चिम में अपना बात रखे। अरे लोग आते भारत माता की, भारत माता की। दोस्तों आज पूरा हिंदुस्तान, पूरा देश, पूरी दिल्ली आज इस धरने को देख रही है और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में नया मॉडल देने जा रही है। एक तो गुजरात में उसने ब्लॉक मॉडल दिया, दूसरा एक और मॉडल देने जा रही है जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं आएगी, जहाँ पे बहुमत में नहीं आएगी, वहाँ पे तो हाउस वहाँ पे नहीं है। दिल्ली में तीसरी बार मेयर का चुनाव चल रहा है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी में जो पार्षद है वो आपस में भिड़ गए, इसके वजह से तीसरी बार मेयर का चुनाव कर रहा है। और अब दिल्ली की राजनीति में आम आदमी पार्टी और बीजेपी में आम आदमी पार्टी को प्रस्ताव करने का मौका दे अलावे अलग अलग की बात कर रही है। जिस प्रकार से हमने पहली बार ऐसा देखा है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता दिल्ली में उनके लोग हंगामा करके और खुदी हाउस को खत्म कर देते हैं। ये बहुत दुखद है, लेकिन हम सबको मिलकर इस लोकतंत्र को बचाना है, इस संविधान को बचाना है। चुनाव तो आज कराए, कल कराए, परसों कराए, तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी का बनेगा कोई रोका जाएगा। किसी माई के लाल में ताकत नहीं है, क्योंकि जनता ने वोट देके अपने वोट की ताकत से दिल्ली के लोगों पार्षदों को चुना है और वो चुनकर मेयर बनाएंगे और दिल्ली में आम आदमी पार्टी का मेयर बनेगा। तुम भाग सकते हो चुनाव से, एक महीना बाद लो, दो महीना बाद लो। बता दें कि कुछ महिलाएं अदालत में आ चुके हैं, इस तरीके से बात सबसे जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में। ये देखिए किस तरीके से यहाँ पे संघर्ष चल रहा है, कार्यकर्ता सड़क पर डटे हुए हैं और कह रहे हैं कि भाजपा ने दिल्ली के अंदर लोकतंत्र की हत्या किया है। और कुछ लोग उनसे बात करना चाहेंगे कि आगे आप कहाँ से आए हैं ये बताइए, क्या कहना चाहेंगे, क्यों ये चुनाव टाला जा रहा है, आप दोनों लड़ रहे हैं, जनता को भारी नुकसान हो रहा है। तो किस तरह से ये एक मुद्दा उठा जाए जब हमारे पास नंबर ज्यादा है, फिर भी इनकी तानाशाही जिस तरह से चल रही है, या ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि देश के अंदर पहले लोकतंत्र की हत्या हो रही है। क्या पहले भी ऐसा कभी हुआ है, क्योंकि इन लोगों ने आज तक तानाशाही से कुछ नहीं किया। भाजपा सरकार मोदी सरकार यहाँ पे आई है, उस दिन से आज तक कोई भी ऐसी प्रतिक्रिया देश में नहीं हुई है। उधर वो प्रदर्शन पर बैठे, इधर आप बैठे, उनका तो कोई रोल ही नहीं है। हमारे पास नंबर ज्यादा है, हर तरह से हम उसमें सही पाए, हमें नंबर इतने हमारे पास नंबर ज्यादा ही है हमारे पास, लेकिन फिर भी वो अपना मेयर किस बेस पर बनाना चाहते हैं। यहाँ पर देखिए आप बहुत से कार्यकर्ता यहाँ पर धरने प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं और ये धरना प्रदर्शन निरंतर जारी है। यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है, कुछ पार्षद है उनसे बातचीत कर लेने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा खड़े हो जाइए, देखिए आप मैडम, ये जो धरना प्रदर्शन चल रहा है आपस में आप दोनों यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, उधर उनका भी प्रदर्शन हो रहा है। 3 महीने से दिल्ली की जनता को भारी नुकसान हो रहा है, क्या मांग करते हैं? हम ये मांग करते हैं, आपको पता है जिस तरह से बीजेपी के गुंडे पार्षद, इन्होंने 3-3 बार हाउस में चलने दिया, 3-3 बार सदन में चलने दिया, आज हम इसी बात को लेके यहाँ धरना प्रदर्शन करने आए हैं। इनको जनता ने, ये लोग बिल्कुल जनादेश का सम्मान नहीं करते हैं और जनता ने इनको पूरी तरीके से नकार दिया है। जनता ने आज हमें मेजोरिटी दी है, हमारे पास आज 151 मेंबर है, इनके पास 113 मेंबर है, फिर भी इनकी गुंडागर्दी सदन में ये लोग दिखाते हैं, अपनी गुंडागर्दी सरासर गुंडे है। हम ये चाहते हैं जो दिल्ली की जनता ने हमें इतना मजोटी दी है, हमारे ऊपर इतना विश्वास जताए, तो हम ये चाहते हैं दिल्ली में बीजेपी वालों दिल्ली को मेयर दो, मेयर दो, मेयर दो। जो दिल्ली के रुके हुए काम है, जो दिल्ली के रुके हुए काम है, वो हम शांतिपूर्ण तरीके से हम अपने सभी काम करवा। एक सवाल ये है कि वो कह रहे हैं कि मनोनीत पार्षद वोट दे सकते हैं, आप लोग कह रहे हैं कि नहीं दे सकते। आप ये बताइए सरासर सरासर लोकतंत्र की हत्या है,
संविधान का ये लोग गलत हो, संविधान का ये लोग गलत उठ रहे हैं। इतिहास गवाह है, आज तक नॉमिनेटेड काउंसलर जो अंडर में इन्होंने गैर कानून तरीके से बनाए, उनका संविधान में बाकायदा लिखा है एमसीडी एक्ट में, इनको वोटिंग करने का अधिकार नहीं है, नहीं है। और आपको पता है किस तरह से जो पीठासीन अधिकारी है वो कहीं ना कहीं जो भी बीजेपी के पार्षदों की पक्षपात करती है, तो वो एकदम से उठी, 10 मिनट बैठी और उठ के चली गई, अगली तारीख के लिए सदन को स्थगित करके चली गई। ये दर्शाता है, ये पूरा देश देख रहा था, आज पूरा देश देख रहा है कि बीजेपी की गुंडागर्दी तानाशाही किस तरीके से लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं, गुंडागर्दी में लोग उतारो। हम ये चाहते हैं, हम सदन के अंदर बिल्कुल, हमारे ये भी पार्षद है, बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग बैठे हुए थे, हमने कोई हंगामा नहीं किया, हमने कोई गुंडागर्दी नहीं करी। हमें चाहते हैं दिल्ली को मेर दो। अच्छा ये बताइए कि वो कह रहे हैं कि आप लोग बेईमानी कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि संविधान की हत्या कर रहे हैं, आप जनता के प्रतिनिधि हैं, क्या मांग करते हैं? सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाइएगा। देखो सुनो, जिस तरह से इन्होंने इतनी तानाशाही और पीठासीन इन्होंने तानाशाही कर रखी है, आज हमें लगता है कि हमें कोर्ट जाना पड़ रहा है, इनकी गुंडागर्दी से हमें कोर्ट जाना पड़ रहा है, हमें कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ रहा है हमारे मेयर के लिए। तो ये पूरा देश देख रहा है, पूरा देश देख रहा है ये लोग किस तरह से गुंडागर्दी पे उतारू। और बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो काफी आक्रोशित है, और यहाँ से 500 मीटर की दूरी पर भारतीय जनता पार्टी का हेडक्वार्टर है, और यहाँ पर ये प्रचंड प्रदर्शन जारी है, और कहीं ना कहीं दिल्ली में मेयर चुनाव को लेकर दोनों पार्टियों में सियासी जुबानी जंग तेज हो गई है। भाजपा आम आदमी पार्टी पर हमलावर है, तो आम आदमी पार्टी बीजेपी पर हमलावर है, लेकिन आखिरकार एमसीडी चुनाव के 2 से 3 महीने हो गए, लेकिन अभी तक दिल्ली को अपना मेयर नहीं मिला है। सुप्रीम कोर्ट में भी आम आदमी पार्टी के मेयर कैंडिडेट की अर्जी डाली थी, इसके बाद मेयर का चुनाव कराया गया, लेकिन ये हंगामे की भेंट चढ़ गया। सवाल ये उठता है कि आखिर दिल्ली को अपना मेयर कब मिलेगा।